मूवीज देखना तो हम सभी को पसंद है, लेकिन सबकी पसंद अलग अलग है, इसीलिए बहुत तरह की मूवीज बनती है और चलती भी है। लेकिन अगर आपको मूवीज देखने के अलावा मूवी की स्क्रिप्ट लिखने का भी मन करता है और आपको लगता है कि आप एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो आपको एक बार इसमें अपना हाथ आजमाना जरूर चाहिए। लेकिन स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा और उसे किस तरह के फॉर्मेट में सेट करके प्रेजेंट करना होगा, ये सब बताने के लिए क्विक सपोर्ट ने ये वीडियो बनाया है। इसीलिए इस वीडियो को देखिए और अपनी मूवी स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक मूवी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाए। स्क्रिप्ट, जिसे स्क्रीन प्ले भी कहा जाता है, एक रिटन वर्क होता है जिसे राइटर मूवी या टीवी प्रोग्राम के लिए तैयार करता है। इनमें मूवमेंट्स, एक्शंस, एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स को भी नरेट किया जाता है। यानी आपको ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी जिसमें ऑडियो, विजुअल, डायलॉग सब एकदम अच्छे से एक्सप्लेन्ड हो। मूवी स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपके पास कोई ग्रेट आइडिया भी होना चाहिए और ऐसी थीम भी जिसके बेस पर आपकी स्क्रिप्ट आगे बढ़ सके। जैसे आप किस तरह की मूवी लिखने जा रहे हैं, क्या ये रिवेंज पर बेस्ड है या पैसे की पावर पर, या कोई लव स्टोरी है या कोई और इशू आप इस फिल्म में दिखाने वाले हैं, तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि आपकी स्टोरी उसी फ्लो में आगे बढ़े, ना कि बीच बीच में उसमें भटकाव आते रहे। आप जिस भी थीम को लेकर चल रहे हो, आप इन 5 एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर अपनी स्क्रिप्ट को इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। पहला है कैरेक्टर। आपकी मूवी का लीड हीरो और उसका एक्शन बहुत ही स्पेसिफिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, तभी ऑडियंस अट्रैक्ट होगी। दूसरा है ड्रीम्स एंड डिजायर्स। जब तक फिल्म के हीरो का कोई सपना या इच्छाएं नहीं होगी जिन्हें पाने के लिए वो मशक्कत करे, तब तक मूवी में वो फ्लो नहीं बन पाएगा जो कि एक्सपेक्टेड होती है। तीसरा है प्लॉट। फिल्म का प्लॉट या स्टोरी लाइन ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर सीन एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई दे और ऑडियंस को इस सवाल का जवाब मिल सके कि ये सब इवेंट्स होने का क्या रीजन था। यानी आपके प्लॉट का हर सीन स्टोरी को सही डायरेक्शन और फ्लो देने वाला होना चाहिए। चौथा है स्ट्रक्चर। आपके प्लॉट को प्रॉपर शेप स्ट्रक्चर से मिलेगी जिसमें सारे इवेंट्स को सही टाइमिंग पर सेट किया जाएगा, यानी इवेंट्स को बिगिनिंग, मिडिल और एंड में सेट किया जाएगा। पांचवा है कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन। आपके हीरो के अगेंस्ट कौन खड़ा है जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है और हीरो को उसके ड्रीम्स तक पहुंचने नहीं दे रहा है, ये कोई सिचुएशन है या फिर कोई पर्सन, क्लाइमेक्स में क्या होने वाला है, मूवी के एंड में क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी किस तरह आपकी मूवी में कॉन्फ्लिक्ट आएगा और किस तरीके से दूर होगा और इस स्टोरी का रेजोल्यूशन क्या होगा। तो इतना जानने के बाद अब उन स्टेप्स को समझते हैं जिन्हें फॉलो करके अपने माइंड में चलने वाले मूवी आइडिया को एक प्रॉपर स्क्रिप्ट का रूप दिया जा सकता है। सबसे पहले आप अपनी फेवरेट मूवीज की स्क्रिप्ट को पढ़िए, क्योंकि मूवी देखना अलग बात है और मूवी लिखना अलग बात है। अगर आप मूवी की स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तो आपको उसका फॉर्मेट, पैटर्न और फील ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और अलग अलग राइटर्स के स्क्रिप्ट्स को पढ़ने से आपका अच्छा खासा रिसर्च वर्क भी हो जाएगा, जो कि हर काम करने से पहले बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट्स को पढ़ने के बाद अब आप अपने मूवी आइडिया को पेपर पर उतारने की कोशिश करें। इस समय आपका ध्यान स्क्रिप्ट फॉर्मेट पर नहीं होना चाहिए बल्कि स्टोरी पर होना चाहिए, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा डीप पे जाने की कोशिश ना करें और मेन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए, जैसे मूवी की थीम, कैरेक्टर्स, रिलेशनशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी चीजें। अगले स्टेप में आप स्क्रिप्ट की आउटलाइन तैयार करें जिसमें सेटअप, राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन और रेजोल्यूशन शामिल हो। इस दौरान आपको स्क्रिप्ट की लेंथ भी ध्यान में रखनी होगी। एक 2 घंटे की मूवी स्क्रिप्ट की एवरेज लेंथ 120 पेजेस होगी, यानी कि 120 पेज, और हर पेज स्क्रीन टाइम का 1 मिनट होगा। इसके बाद आप एक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। एक्ट 1 में अपनी स्टोरी का सेटअप शो कीजिए। इस एक्ट के लगभग 30 पेजेस होंगे, यानी कि 30 पेज। इसमें आप अपनी स्टोरी की थीम, कैरेक्टर्स और स्टोरी टोन को शो करेंगे। सेकेंड एक्ट में मूवी का लीड एक्टर स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा और यही फिल्म का मेन पोर्शन होता है, जिसमें सारे हर्डल्स, चैलेंजेस और एक्साइटिंग इवेंट्स आते जाते हैं। इनमें आपस में लिंक होना बहुत जरूरी है। ये एक्ट 60 पेजेस यानी कि 60 पेजेस का तैयार कीजिए और फिर आ जाइए एक्ट 3 पर, जिसमें ट्विस्ट और कंक्लूजन मिलेगा। 30 पेजेस के इस एक्ट में आपको पूरी मूवी को एक साथ इस तरीके से लिंक करता हुआ दिखाना होगा, जिससे पता चले कि आपका हर सीन उस मूवी में बहुत जरूरी था। इसके बाद आप सीन लिखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो आपने स्टोरी लिखी है, उसके हर सीन को डिटेल में लिखना अभी बाकी है।
सीन्स लिखने के बाद आप डायलॉग्स लिखना शुरू करें, जो कि सबसे टफ पार्ट भी लग सकता है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं और हर कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग डायलॉग्स भी होते हैं। इतना कर लेने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपकी कहानी यानी कि आपकी स्टोरी के वीक पॉइंट्स क्या है और कौन से पॉइंट्स आपकी स्टोरी को स्ट्रांग बना रहे हैं। ऐसे पॉइंट्स को लगातार एडिट करते रहे और ऐसा कंटेंट जो स्क्रिप्ट से मैच नहीं कर रहा हो उसे स्क्रिप्ट से हटाते रहे, जब तक आपको और आपके खास दोस्तों को वो स्क्रिप्ट सेटिस्फैक्टरी ना लगे, यानी कि उन्हें संतुष्टि ना मिले। इसके बाद आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी, लेकिन उसे फॉर्मेटिंग की जरूरत होगी, तभी आप उसे किसी मूवी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को दिखाने के बारे में सोच पाएंगे। स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग के लिए आप ऐसे सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं जो आपकी स्क्रिप्ट को प्रॉपर फॉर्मेट में सेट कर दे। फिर भी आप चाहे तो खुद इस तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। स्क्रीन प्ले 8.5x11 पेपर पर लिखे, पेपर का टॉप और बॉटम मार्जिन 5x1 के बीच में सेट करें। लेफ्ट मार्जिन 1.2 से 1.6 का रखें और राइट मार्जिन 5x1 के बीच में सेट करें। फॉन्ट साइज कुरियर 12 पॉइंट रखने से एक स्क्रिप्ट पेज आईडिया से स्क्रीन टाइम का 1 मिनट कवर करता है, इसीलिए आप इस फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। आपको स्क्रिप्ट टेम्पलेट्स भी यूज करने होंगे जो स्टोरी के डिफरेंट एलिमेंट्स को कन्वे करते हैं, और ये एलिमेंट्स हैं सीन हेडिंग, सब हेडर्स, एक्शन लाइंस, डायलॉग, एक्सटेंशंस, पैरेंथेटिकल्स और ट्रांजिशंस। तो सीन हेडिंग्स या स्लग लाइंस, इसे कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है और ये स्क्रीन प्ले के कहां और कब का जवाब देती है, जैसे जुहू बीच मॉर्निंग। सब हेडर्स की बात करें तो जब कोई सीन एक ही लोकेशन पर शूट हो रहे हो, जैसे एक घर में, तो अलग अलग एरिया को एक्सप्लेन करने के लिए सब हेडर्स का यूज इस तरीके से किया जाता है, जैसे किचन, गार्डन। एक्शन लाइंस की बात करें तो सीन हेडिंग के जस्ट बाद एक्शन लाइन आती है और ये एलिमेंट डिस्क्राइब करता है कि सीन में क्या चल रहा है, जैसे पुलिस अफसर एक एक करके हर गाड़ी की तलाशी लेता है ताकि स्मगलर पकड़ा जाए। डायलॉग की बात करें तो हर राइटर की अपनी यूनिक वॉइस होती है जो उसके काम में नजर आती है, और डायलॉग लिखते टाइम भी ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि हर कैरेक्टर की अपनी यूनिक वॉइस, टोन, स्टाइल हो, जो हर कैरेक्टर में क्लियर डिफरेंस शो कर सके। एक्सटेंशंस, एक कैरेक्टर नेम के साथ जो एलिमेंट दिखाई देता है वो एक्सटेंशन होता है, जैसे VO जो रीडर को बताएगा कि ये वॉइस ओवर है, इसी तरह OS यानी ऑफ स्क्रीन। पैरेंथेटिकल्स की बात करें तो ये भी डायलॉग्स के साथ यूज होने वाले एलिमेंट है जो एक्टर और रीडर को बताते हैं कि इस डायलॉग को कैसे पढ़ा जाए। वैसे तो डायलॉग को खुद इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो खुद का फील एक्सप्लेन कर सके, और पैरेंथेटिकल्स केवल उसे सपोर्ट करने के लिए हो। अगला है ट्रांजिशंस। मोस्ट कॉमन ट्रांजिशन है कट टू, इसी तरह कुछ और ट्रांजिशंस है इंटरकट, स्मैश टू और डिसॉल्व टू। अब बात करें आगे अर्निंग की, तो एक मूवी स्क्रिप्ट राइटर अपने स्क्रिप्ट से कितना कमाता है ये उसके रिकॉर्ड और प्रोडक्शन बजट पर बेस्ड होता है। अंदाजे से हम ये जान सकते हैं कि 5 करोड़ से कम बजट की फिल्म के लिए मिनिमम 12 लाख रुपए स्क्रिप्ट के दिए जाते हैं, जिसमें से 3 लाख स्टोरी के, 5 लाख स्क्रीन प्ले के और 4 लाख डायलॉग के होते हैं। जबकि 5 से 15 करोड़ बजट की फिल्म में स्क्रिप्ट के लिए मिनिमम फीस 24 लाख रुपए होती है। तो दोस्तों, मूवी स्क्रिप्टिंग एक बहुत वाइड और स्पेसिफिक एरिया है, जिसे समझने के लिए आपके पास एक अमेजिंग आइडिया तो होना ही चाहिए, और अगर आप वाकई में इसमें डीप इंटरेस्ट रखते हैं और इस तरीके से स्क्रीन प्ले लिखने में अपना फ्यूचर देखते हैं, तो आपको एक फॉर्मल कोर्स जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आप इस फील्ड की बारीकियों को समझ पाए और सही टाइम पर खुद को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाए। क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि मूवी स्क्रिप्ट लिखने से रिलेटेड जिस बेसिक इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत थी वो आपको इस वीडियो में मिल गई होगी, और आपको ये तय करने में भी मदद करेगी कि आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है तो किस तरीके से शुरुआत करनी होगी। वैसे ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना मिस करें, क्योंकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है। तो मुलाकात होगी और ऐसी वीडियो और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।